वेलकम। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग किसको कहते हैं? तो मैनेजमेंट का बहुत सारा प्रोसेस है, जिसमें पहला प्रोसेस है प्लानिंग, PLOC, प्लानिंग, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल। तो उसमें पहला जो प्रोसेस है वो है प्लानिंग। प्लानिंग टेक्स अस फ्रॉम प्रेजेंटली वेयर वी आर टू द फ्यूचर वेयर वी वांट टू बी। मतलब अभी हम लोग जहाँ है वहां से जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना चाहते हैं, उस जगह पे हम लोग को प्लानिंग ले जाता है। कुंज के अनुसार, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब कुंज कहते हैं कि पहले से ही ये निश्चित कर लेना कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसी चीज को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का सबसे सीधा डेफिनेशन है ये। थिंकिंग अबाउट मींस एंड वेज टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड गोल्स। मतलब तरीके देखना, किस तरीके से जो हमने पहले से ही गोल्स निश्चित कर लिए हैं, हमारा जो लक्ष्य है ठीक कर लिया है, उसको कैसे पाएंगे, उस चीज को थिंक करना को ही प्लानिंग कहते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो ह्यूमन हो या फिर नॉन ह्यूमन हो, उन सब का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, उस चीज को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटीज, रिस्क, वेस्टेजेस, ETC। मतलब प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग हर जगह है, कहीं भी ऐसा नहीं है जहां प्लानिंग ना हो। एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, थोड़ा सा दिमाग का काम है, हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से बचने में मदद करता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से बचने में मदद करता है, रिस्क से बचने में मदद करता है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनको यदि ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो उनका वेस्ट होने से, कोई चीज खराब हो रहा है उस चीज से भी बचाता है प्लानिंग हमारा। तो प्लानिंग इज परवेसिव एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटीज, रिस्क, वेस्टेजेस, ETC। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा और कहां पर करेगा, इन सब का जवाब देता है प्लानिंग। दैट इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, व्हेन इट विल बी डन एंड वेयर इट विल बी डन, इन सब को ये ठीक तरह से हम लोग पहले से ही प्लान करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, उसी चीज को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर प्लानिंग जो है एक या दो साल के लिए किया गया है, हालांकि इसको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए किया गया है, बट अगर एक दो साल का प्लानिंग किया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। और यदि प्लानिंग लॉन्ग टर्म है, एक या दो साल से बड़ा है, तो उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी द लेवल ऑफ प्लानिंग वेरीज। मतलब काम कितना बड़ा है, हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है, उसी अनुसार हमारा प्लानिंग भी वेरी करता है, छोटा से बड़ा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you are new here, consider subscribing the video. I make videos for mechanical engineering undergraduates or to be general undergraduates. You must find something new on my channel, so consider subscribing. You won't regret it, I promise.